अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान असद क्यानी। आज हम इस्लामाबाद के मुख्तलिफ पार्ट्स में गए और वहाँ पे देखा कि सियाहों की आमदोरफ़्त की पोजीशन क्या है। इस्लामाबाद के पार्ट्स बिल्कुल वीरान पड़े हुए हैं, जबकि हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन में नरमी की गई है। नरमी के बावजूद लोग पार्ट्स का रुख नहीं कर रहे। इसी हवाले से आज हम मुख्तलिफ लोगों से जानेंगे के वो क्या कहते हैं। इस्लामाबाद आए हूँ शक्करपड़िया पार्क में, तो अभी जो रौनक थी यहाँ की, जो खूबसूरती तो वैसी बरकरार है, लेकिन खूबसूरत लोग नहीं हैं यहाँ पे। अच्छे लोग, अल्लाह पाक हमारे इस मुल्क को अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। ये तो अल्लाह करे हम इस बीमारी से हमारी जान छुटे और हमारे मुल्क में वापस ये खुशियाँ दोबारा आएँ। गरीबों के रोज़गार हैं, हर बंदे के मज़दूर बंदे हैं, वो रोज़गार से तंग हैं। तो मैं यही कहूँगा कि या अल्लाह हमें इस आफत से बचा और हमारे मुल्क की खुशियां हमें लुटा। अच्छा, बिग मुस्लिम हमें क्या करना चाहिए? हमें 5 वक्त नमाज पढ़नी चाहिए, वज़ू में रहना चाहिए और अल्लाह के आगे बार बार गिड़गिड़ा के दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें इस आफत से बचा। मैं सर मियाँ वाली से आया हूँ, तो अभी विजिट करने आया था, लेकिन इधर पार्क में तो कुछ भी नहीं है। आई एम कन्वे माई मैसेज, दिस मैसेज फॉर ओनली पब्लिक, कि दैट पब्लिक विल बी कोऑपरेट, व्हेन पब्लिक विल बी कोऑपरेट टू द गवर्नमेंट, देन आफ्टर दैट Government will be facilitate to public. Okay, when public and government get together, each other cooperate to each other, after that our country will be go to progress and corona will be gone, inshallah. Government na te public re kam me ek bhi un cooperate karan, theek hai na? Jadi government hai wo public ko facilitate kare, public na kam hai SOPs nal chal ke government ko facilitate karen, kyunki dono ek bhi un cooperate kar san facilitate thi sun फैसिलिटेट एक भी करके फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने हुक्म ना सारे मुल्क करोने चला ऐसी, सारे मुल्क खुशहाली दोबारा आए सी और सारे मुल्क पार्क वगैरह ये दोबारा आबाद हो सुन। इत्यादि तदाबीर के साथ आप पार्कों में आएँ, पार्कों में आके घूमें फिरें दें, तो उसके लिए एक प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, एहतियात बेहतर है इलाज से। आम को भी चाहिए कि वो गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करें, गवर्नमेंट की जो SOPs हैं उस पर अमल करें। मैं यहाँ शक्करपड़िया इस्लामाबाद में फ़ोटोग्राफी का काम कर रहा हूँ। तकरीबन 3 महीने हुए हैं ये कोरोना जब बीमारी आई है, उससे हमारा काम बिल्कुल बैंड हो गया है। लेकिन मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने 12,000 रुपया जो हमें मेरे जैसे बूढ़े को भी मिला है, हम खुशामदीद कहते हैं और सलाम करते हैं कि गरीब का उन्होंने ख्याल किया है। और दुआ आपके लिए करते हैं कि अल्लाह आपको हिम्मत दे, हमें भीख नहीं मांगते हैं कि हमें 12,000 मिले, लेकिन हमें ये ज़रूर है कि मैं 72-73 साल की उम्र का हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ अपनी मजदूरी करके अपने बच्चों को दें, अल्लाह खुश होगा। आपके लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हम सलाम करते हैं। सर काम कर रहा हूँ, बच्चों की रोज़ी कमा रहा हूँ 12 साल से। इन्हें क्या से मजदूर आज मैंने 12,000 रुपया मिलेगा? कोई 12,000 नहीं लगभग, कड़े गड्डिया ने उन्होंने 12,000 रुपया दे रहे हैं, कड़े मजदूर ने उन्होंने कोई नहीं, 3 बच्चे ने। आपने मैसेज भेजा था? जी सर मैसेज दिया था, तो उसका कोई जवाब नहीं आया? जवाब आया तो नह लो, सानू कोई 12,000 दे जरूरत नहीं, कारोबार सारा खोल जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम मंडी मोड़ से आया, कल आया बाजोड़ से, अब ये इंशाल्लाह होटल खोलेगा।